हे गाइस, चलिए आज बनाते हैं रंगों के त्यौहार के लिए स्पेशल रंग भरी मिठाई। तो आज हम लेयर वाली कलरफुल गुजिया बनाएंगे। ढेर सारे लेयर्स होंगे खाने में, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे खारी खा रहे हैं। बनाने में एकदम आसान है, बस थोड़े से ट्रिक्स के साथ इसे बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे होली के लिए ही नहीं, किसी भी त्यौहार के लिए आप बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सो हे गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। सो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। सबसे पहले हम आटा लगाएंगे गुजिया बनाने के लिए। तो 1.5 कप मैदे में मैंने 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप डाल दिया है घी। अब घी को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। घी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि जब हम घी मिक्स करेंगे मैदे के अंदर तो मुठियाँ सी बननी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है, बिल्कुल इस तरह से। और देन हम इस प्रिपेयर डो के बनाएंगे 2 पार्ट। तो एक छोटा और एक बड़ा ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, जो छोटा वाला है ना, फिर से हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में ऐड करना है रेड फूड कलर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि कलर जो है ना पूरे आटे में अच्छे से समा जाए, बिल्कुल इस तरह से। नेक्स्ट हम जो दूसरा वाला डो है उसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोनों कलरफुल लोइयाँ बनकर तैयार हैं और बड़ी वाली लोई ये है वाइट वाली। अब चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और मैंने मिक्सी के जार में कुछ बादाम और काजू डाल दिए हैं, इसका हमें पाउडर बनाना है। तो पाउडर बना लिया है, गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दी है लगभग 2 टेबलस्पून भर के खसखस। खसखस को 1 मिनट भर इस तरह से भूनकर निकाल लेंगे। देन हमें इसी पैन में डाल देनी है 1/2 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा है ये। मैं रेडीमेड वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर पर भी नारियल को कद्दूकस करके इसका बना सकते हैं बुरादा। और देखिए, इसे मैंने हल्का सा भून लिया है 1/2 मिनट तक, इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैंने खोया ऐड किया है लगभग 1/4 कप। वैसे खोया बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड करें, लेकिन ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। 1/2 मिनट तक चलाने के बाद इसे भी निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है घी और अब इसमें जाएगा 1/2 कप भर के सूजी या बारीक वाला रवा। इसे भी हमें अच्छा सा गुलाबी होने तक, बढ़िया सी खुशबू आने तक भूनना है। अब देखिए, ऑलमोस्ट रवा जो है भून चुका है, तो मैं इसमें काजू और बादाम की जो पाउडर हमने बनाकर रखी थी उसे भी डालकर 1/2 मिनट तक फिर से चलाएंगे और अब इसे नारियल के बुरादे के अंदर निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट अब हमें ये करना है कि ये जो हमने खसखस ली थी भूनकर, उसमें डाल देनी है इलायची और दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करने के बाद इसे भी डाल देते हैं हमारे पहले वाले मिक्सचर के अंदर, यानी कि सूजी और नारियल का बुरादा जो हमने भूनकर रखा था ना, उसी में इसे ऐड करना है। और अब इसमें जाएगी चीनी, तो स्वाद अनुसार चीनी इसमें ऐड कर दीजिए। लगभग मैंने 1/4 कप से ज़्यादा पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर दी है। भुना हुआ खोया भी अब इसके अंदर जाएगा और हाथों से अच्छे से इसे मिक्सअप कर लेते हैं। अब सभी चीज़ों को बढ़िया सा मिक्सअप करने के बाद हमें इसमें ऐड करने हैं कुछ बेदाने यानी किशमिश, और थोड़े से मैंने चिरौंजी और पिस्ते के कतरन भी इसमें ऐड कर दिए हैं। चलिए फिर से इसे अच्छा सा मिक्सअप कर देते हैं और लीजिए, हमारी स्टफिंग या जिसे सारण कहते हैं गुजिया के लिए तैयार हो गया है। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने घी वाली गैस पर। जब तक लो फ्लेम पर घी गर्म हो रहा है तब तक हम गुजिया की तैयारी कर लेंगे। तो लगभग मैंने 1 कटोरी के अंदर डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। इसकी हमें तैयार करनी है स्लरी या जिसे शॉर्टनिंग भी कहते हैं या साठा भी कहते हैं, आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए, साठा रेडी हो चुका है। अब हमने लेनी है एक वाइट वाली लोई, इसे इस तरह से बेलेंगे।
आप देख सकते हैं काफी बड़ा चकला है मेरा और पूरा चकला भर के मैंने इस रोटी को बेल लिया है। चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। अब जो कलरफुल लोइया है ना उसे भी हमें इसी तरह से बेलना है, तो बिल्कुल पतला बेलेंगे, जितना हो सके उतना पतला इसे बेल लीजिए। अब इसे साइड में रख देते हैं। रेड वाली रोटी व्हाइट वाली भी तैयार हो गई है, अब ग्रीन वाली भी इसी तरह से मैंने बेल ली है। और बस अब इसे साइड में रखकर जो बड़ी वाली है ना व्हाइट वाली उसे चकले के ऊपर रख देते हैं। और अब हमें इसके ऊपर लगाना है ये जो लाई हमने तैयार कर रखी है या शॉर्टनिंग या जिसे आप साटा कहते हैं, तो उसे अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। देन इसके ऊपर अरेंज करेंगे हमारी ग्रीन वाली रोटी। इसके ऊपर भी लोई लाई लगा देते हैं और रेड वाली इसके ऊपर अरेंज करेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर भी लाई लगा देते हैं। तो साठे को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड करना है और उंगलियों से हल्का हल्का दबाते हुए हम इसे लगाएंगे। और बस अब इसका बिल्कुल टाइट ऐसा रोल हमें प्रिपेयर करना है। देखिए बिल्कुल रोल जो है ना बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर बबल्स ना बने इस बात का ध्यान रखें। अब जितना इस रोल को आप टाइट बनाएंगे उतनी ही हमारी गुजिया की जो पारी है ना वो बहुत ही बढ़िया सी बनेगी, नहीं तो बीच बीच में गैप आ जाएगा। एक बार रोल बन जाए तो हाथों से इस तरह से इसे रोल करेंगे ताकि और भी अच्छे से टाइट हो जाए। और बस अब हमें इसके कट्स लगाने हैं, तो एक एक इंच का अंतर डालते हुए हम इसे कट्स लगाएंगे। और देखिए हमने यहाँ पर सभी कलरफुल पेड़े अब कट कर लिए हैं। हाथों से इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए गोल गोल बनाएंगे। अब इसे रख देते हैं साइड में और इसे हमें ढककर रखना है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। अब जो व्हाइट वाला डो हमने एक साइड में रखा था ना उसके भी हमें इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनाकर रखने हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसे भी ढककर रख देते हैं। अब जो कलरफुल हमने लोई बनाकर रखी थी, मतलब जो कलरफुल रोल था हमारा, उसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें बेलना है। और देखिए क्योंकि हमने रोल बिल्कुल टाइट बनाया था तो बिल्कुल भी इसमें गैप्स नहीं आए हैं और कलर की जो लेयर्स है ना कितनी खिलकर आई है आप देख सकते हैं। अब इसके किनारों पर हमें थोड़ा सा ऑयल सॉरी पानी लगाना है। देन हम इसमें फिलअप करेंगे हमारा जो स्टफिंग हमने बनाकर रखा था या जो सारन हमने बनाकर रखा था उसे। और बस अब जैसे कि हम नॉर्मल या रेगुलर गुजिया बनाते हैं उसी तरह से दोनों किनारे इस तरह से ऊपर पकड़ेंगे और पानी लगाया हुआ जो किनारा है ना उसे हमें एक दूसरे पर इस तरह से चिपकाना है। ध्यान रहे किनारों को हमें अच्छी तरह से एक दूसरे पर चिपकाना है, नहीं तो जब ये गुजिया फ्राई होंगी तब ये किनारे छूट जाएंगे तो पूरा जो सारण है वो कढ़ाई में आ जाएगा। और इस तरह का अगर आपके पास कटर है तो इसके किनारों को कट कर दीजिए, वरना हमारे घर में फोर्क होता ही है तो इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे फोर्क का ही डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो सभी गुजिया में इसी तरह से फोर्क का यूज़ करके बनाऊंगी। अब चलिए जो ट्रायंगल वाले शेप में एक गुजिया मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी हम उसे भी बनाएंगे। तो जो व्हाइट वाली लोई है ना उसे हमें पहले इस तरह से बिल्कुल पतला सा बेलना है। देखिए व्हाइट वाली लोई के बिल्कुल पतली सी हमें इस तरह से पूरी बेलनी है क्योंकि उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ेगी जो कलरफुल लोई है ना, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसे व्हाइट वाली पूरी के ऊपर हमें फैलाना है, मतलब बेलना है। अब देखिए जो व्हाइट वाला पार्ट है ना उसे हमें ऊपर की साइड में इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें ये जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। और अब ट्रायंगल शेप देने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने तीन साइडें आपको दिख रही होंगी तो साइडों पर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि आसानी से चिपक जाए। और अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे उठा रही हूँ, तो ट्रायंगल शेप में उठाते हुए इसे हमें चिपकाना है बिल्कुल इस तरह से, देखिए।
और इसके जो कॉर्नर्स है ना उसे भी हमें इसी तरह से एकदम अच्छे से चिपकाना है ताकि जो सारन है कहीं से भी बाहर ना आए। और तीसरा वाला जो किनारा है उसे भी मैंने अच्छे से इसके ऊपर चिपका दिया है। और बस लीजिए, यहाँ पर हमारी ट्रायंगल वाली गुजिया भी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब बाकी बची भी जो गुजिया है, कुछ ट्रायंगल्स और कुछ रेगुलर गुजिया के साइज में मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। अब देखिए, घी जो है ना बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पर गर्म हो गया है, तो एट अ टाइम कढ़ाई में जितने आएंगे उतनी गुजिया डालकर इसे हमें लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई ना हो जाए। गुजियों के ऊपर हमें इस तरह से झारे से जो घी है ना ऊपर से डालते जाना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं अच्छे से खुल जाए। स्टार्टिंग में जब हम घी में गुजियों को डालते हैं तो इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है, जब ये अपने आप ऊपर आ जाएगी तब हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे फ्लिप करते हुए ऊपर से घी डालते हुए सभी गुजिया को हमें हल्के से गुलाबी कलर पर फ्राई करना है। सो देखिए, अब गुजिया फ्राई हो चुकी हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और जो ट्रायंगल शेप वाली है ना उसे भी हमें इसी तरह से फ्राई करना है। ध्यान रहे, गुजिया को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका जो कलर है वो भी अच्छे से उभर कर नहीं आएगा, और दूसरी बात अच्छे से ये क्रिस्पी नहीं होंगी और इसकी जो लेयर्स है ना ये भी अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से खस्ता नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें सभी गुजिया को लो फ्लेम पर ऊपर से घी को इस तरह से उछालते हुए इन्हें फ्राई करना है। तो फ्राई करने का ये जो काम है ना थोड़े पेशेंस के साथ हमें करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से ट्रायंगल वाली भी फ्राई कर ली है, बची हुई इसी तरह से तल लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कलरफुल गुजिया की रेसिपी होली के लिए आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस होली के लिए इस कलरफुल गुजिया को ट्राई करिए। रेसिपी आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ।